हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेलकम बैक सरिता ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, मस्त होंगे। और अभी ये देखिए, हम लोग का बाड़ी ना बहुत ही हरियाली, इतना हरा भरा है, सब्जियां लगे हुए हैं सभी साइड। इधर देखिएगा, उधर सभी साइड सब्जियां हैं, एक भी जगह आप लोग को खाली नहीं दिखेगा। तो क्या है ना कि कुछ कुछ सब्जियाँ पहले लगा दिए थे, फिर वही सब्जियाँ बाद में लगा दिए हैं, क्योंकि बाद में निकलता रहेगा और धीरे धीरे खाते रहेंगे और चलता रहेगा। तो आप लोग को भी दिखाती हूँ मैं, बहुत बार वैसे मैं शेयर की हूँ, लेकिन इतना अच्छा हरियाली है ना कि यहाँ आके मन खुश हो जाता है बाड़ी पे निकल के। तो चलिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा, और कोई भी वीडियो डालूँगी जिससे कि तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बहुत ही अच्छा सा जगह है, बहुत ही अच्छा सा वातावरण, हवाएं ठंडी ठंडी चल रही है, ठंड का मौसम है, क्या कहें। तो चलिए मैं थोड़ा सा इधर का व्यू दिखा देती हूँ आप लोग को। ये क्या बोलते हैं इसको, ये गेहूँ टाइप का क्या बोलते हैं शायद, मेरे को पता नहीं, पता चलेगा तो मैं बता दूंगी। जिस गेहूँ जौ बोलते हैं शायद, ये वही है। और इधर गोभी लगा हुआ है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, आप पीछे साइड भी लगा हुआ है, बहुत पीछे, और बगल में भी लगा हुआ है। इधर लगा हुआ है मटर, जिसमें कि ना फूल लग रहे हैं। और दिखाऊँ आप लोग को तो इधर देखिए, बहुत सारे पीछे साइड इधर टमाटर लगे हुए हैं, आलू लगे हुए हैं, और इधर भी है सब्जियां, गोभी, टमाटर, बैंगन, मिर्चा, धनिया पत्ती आप लोग को दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छा सा है। चलिए चलते हैं, मेरे को ना इधर आने के बाद में बहुत अच्छा लगता है। एक तो धनिया पत्ती अभी निकला नहीं है, और जो मेरी ये देखिए टमाटर में ना फल लग रहे हैं, वो भी मैं दिखाती हूँ आप लोग को। ये फल लग गए हैं, तो ये मतलब कि एक आध सप्ताह में ना बड़े बड़े भी हैं, तो वो मतलब पकने लग जाएंगे। और ये रही धनिया रानी कहाँ है, तो ये देखिए दिख रहा है कि नहीं जी, एक मिनट, ये धनिया रानी। और इधर है लहसुन, ये देखिए ये उतने बड़े नहीं हुए हैं बट हैं। तो चलिए अभी मैं बनाने जा रही हूँ सिंपल सी मैगी। तो और इधर है बैगन। तो मेरा बाड़ी आज का जो मैं दिखाई हूँ वो सब आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब चलते हैं घर, मैगी बनाते हैं, उसके बाद में कहीं हम लोग को जाना है, तो वहाँ जाएंगे। वहाँ का मैं वीडियो बना पाऊँगी नहीं बना पाऊँगी ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ दिखा दूँगी कुछ थोड़ा बहुत। तो जल्दी से चलते हैं वरना डांट पड़ेगा। और इतना हरियाली है, इतना हरियाली, देखिए क्या जगह है, बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा जगह। तो लेकिन ना अभी सारे सब्जी हुए नहीं हैं, गोभी थोड़ा बहुत निकल रहा है, और बंद गोभी बंद गया है एक आग दो, और बाकी बाद में लगा है वो अभी होने वाला है, वो नहीं हुआ है। और इस पे ना भथुआबाजी है थोड़ा बहुत, एक दिन बना था लेकिन मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर नहीं की, इसमें है थोड़ा बहुत। और एक चीज़ आप लोग को दिखा दूँ, शायद अभी अगर मेरे को टाइम मिलेगा आज ना, तो या आज या फिर कल,
जो भी होगा मैं उसका वीडियो बना दूंगी। एक सब्जियां हैं जो घास वाले सब्जी होते हैं, गांव में या छत्तीसगढ़ की बात करिए या फिर गांव में तो बहुत अनेक प्रकार की सब्जियां खाते हैं, जो घास वाले सब्जियां होते हैं वो भी खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो अगर मेरे को टाइम मिलता है आज तो मैं वो दिखा दूँगी, और अगर नहीं मिलता है तो कल के वीडियो में वो सब्जी की मैं रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो पे बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। तो चलिए चलते हैं फटाफट, अभी बनाती हूँ मैं मैगी, उसके बाद हम चल जाएंगे कहीं, कहीं जा रहे हैं हम लोग तो वहाँ जाके मैं आप लोग से मिलूँगी। चलिए मैगी बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई होने को मैं गर्म होने को रख दी थी। गर्म हो गए तो यहाँ पे मैं ना वेजिटेबल्स वाले मैगी बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो जो आपको सब्जियाँ पसंद है वो आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी सब्जियाँ तो नहीं थे ले, तो मैं इसलिए आलू वाले मैगी बना रही हूँ। एक बार आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी मैगी बन के तैयार होते हैं, और मेरे को कमेंट करिएगा कि आपको ये वेज वाले मैगी कैसे लगते हैं। तो यहाँ मैं आलू को डाल दी हूँ तेल पे, और थोड़े से आलू को ना फ्राई करना है, थोड़ा सा इसमें कलर लाना है गोल्डन कलर। उसके बाद में जो आप प्याज व्याज काट के रखे हैं वो सब डाल दीजिएगा, और अगर आप सब्जियां वाले बना रहे हैं थोड़े से सब्जी को रोस्ट कर लीजिएगा या तो भून लीजिएगा तेल में ही, रोस्ट ना करते हैं तो ना करिएगा तो। और फिर ये मैं प्याज व्याज डाल दी, उसके बाद में इसको थोड़ा सा भुनेंगे, एकदम हल्का सा भुनेंगे इसको। उसके बाद में जो मैगी मैं उबाल के रखती हूँ, हमेशा मैं बहुत ही ज़्यादा मैं मैगी उबाल के बनाती हूँ, तो मेरे को उबाल के ही मैगी पसंद है इसलिए। और इसको थोड़ी देर चला के हम भुनेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसको भुनना है। ये भुन चुके हैं तो अब इसमें हम हल्दी डाल देंगे, कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी डालती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा यूज़ करिएगा ना तो मैगी का जो टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाता है, तो थोड़ा सा हल्दी डालते हैं हम यहाँ पे। और हल्दी मेरे हो गए, उसके बाद में हल्दी मैं डाल ली, हल्दी क्या होना है वो पक जाते हैं ऑलरेडी। उसके बाद में मैगी उबाल के रखी हूँ मैं, उसको डाल रही हूँ। ये देखिए थोड़ा सा मेरे मैगी जो मैं ज़्यादा उबाल दी थी, मतलब कि ये ज़्यादा पक गए थे, लेकिन हाँ खाने में बहुत ही टेस्टी लगे थे। तो एक बार आप लोग ट्राई करिएगा, फिर मेरे को कमेंट करके बताइएगा। एक टमाटर काट के रख दी थी मैं, और उसको थोड़ा सा पानी डाल के ढक देंगे हम थोड़ी देर के लिए, जैसे कि टमाटर गल जाएगा। और बहुत ज़्यादा टमाटर मैं यूज नहीं करती हूँ, यहाँ पे मैगी मसाला डाल देते हैं, और फिर उसके बाद में इसको ढक के छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। ये क्या 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, ये तो पानी सूख जाएंगे। उसके बाद में ढक्कन हटा के थोड़ा सा टमाटर को मैश कर लेना है बस। उसके बाद में बिल्कुल मैगी बन के तैयार हो जाती है, बहुत ही टेस्टी खाने में। तो वेजिटेबल्स वाले भी मैगी बहुत लोगों को पसंद है, मेरे को भी अच्छा लगता है, बट मेरे पास सब्जियां नहीं थी तो मैं आलू वाले मैगी बना ली। इससे क्या होता है ना, मैगी का जो बहुत कम मैगी रहता है तो ऊपर भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। और ये देखिए मेरी मैगी बिल्कुल खाने को तैयार है, बहुत ही टेस्टी। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मैं आप लोग को बोल रही थी हम लोग को कहीं जाना है, तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे अंबिकापुर, लेकिन मैं सॉरी वीडियो नहीं बना पाई। बहुत जल्द अंबिकापुर की वीडियो आने वाली है, क्योंकि मैं अंबिकापुर ही शिफ्ट होने वाली हूँ कुछ ही दिनों में। पहले मैं शादी से पहले भी वहीं रहती थी। और ये मोमोज वाला ठेला दिखा रही हूँ, यहाँ आप लोग अंबिकापुर से हैं तो बिल्कुल एक बार आइएगा। ये है देवीगंज रोड में पंसिल स्वीट्स के, पुराने वाले जो पंसिल होटल हैं उसके सामने पे ठेला लगाता है, और इतनी टेस्टी यहाँ पे मोमोज मिलता है ना, क्या यहाँ पे दो ही, एक सोया मोमोज मिलता है और एक पत्ता गोभी वाले जो मोमोज बनते हैं वो, लेकिन इतना टेस्टी बनाता है, सबसे फेवरेट यहाँ पे मोमोज। और इतना भीड़ भी रहता है, और 10 का ना ये पहले 4 देता था अब 5 देता है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग मोमोज खा लिए, उसके बाद अब हम लोग आने के लिए निकल रहे हैं। तो मैं सोची कि थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो शेयर नहीं कर पाई, आप लोग को दिखा भी नहीं पाई, लेकिन बहुत जल्दी अंबिकापुर का वीडियो आने वाला है। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, न्यू है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर अंबिकापुर से हैं तो एक बार इस वाले मोमोज ठेले के पास आप लोग जाके ज़रूर खाइएगा मोमोज, बहुत ही टेस्टी बनती है यहाँ की मोमोज।
तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँगी तो जैसे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अब वापस घर की तरफ निकल गए हैं, बहुत ही जल्दी में थे हम लोग इसलिए मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई, रुक के तो बिल्कुल नहीं बना पाई, और मेरे को बहुत जगह काम था वहाँ का वीडियो मैं नहीं दिखा पाई आप लोग से। हम लोग वैसे गए थे रूम खोजने, लेकिन मैं आप लोग को इतना जल्दी में इतना हड़बड़ी में थे और जल्दी से वापस भी आना था क्योंकि घर मेरा पड़ता है सूरजपुर ज़िले में, तो जल्दी में आना था इसलिए जल्दी जल्दी से। और हम लोग निकल गए वहाँ से, और आते आते काफ़ी अंधेरा हो गया था। फिर अब मैं सोच रही हूँ ना कि वीडियो का मैं एंड करूँगी और मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ आप लोग के साथ। और आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, और इस